क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये भी आसान है, इसमें भी टाइम नहीं लगाते, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 को आपसे कह रहा है कि ए क्रॉस बी दो वेक्टर का है, उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, साथ में उसका मैग्नीट्यूड निकालो, और वो मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन में भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, ए क्रॉस बी है, इसका मैग्नीट्यूड ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जरा लिख देते हैं। तो क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। ये किसका क्रॉस आया है, ए क्रॉस बी का मल्टीप्लीकेशन। अब आप जो है अपनी तरफ से स्क्वायर करोगे दोनों तरफ का, तो आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, करो स्क्वायर ए क्रॉस बी का, जब स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बस समाप्त हो जाएगा यहीं पर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसे रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ऐसे रहने दो, इसको मैं ये कह सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, पूछो कैसे, क्योंकि आपको पता है ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आता है ए बी कोज थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा, बस समाप्त। इधर क्या चल रहा था आपके पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर, अब ये स्क्वायर जब उधर को जाएगा तो ये रूट में चला जाएगा, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का भी स्क्वायर, तो यही आपसे पूछ रहा था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, विद इन 2 मिनट ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करके रख दोगे बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू सो मच, बोर्ड तो आपका होता नहीं है लेकिन जो इंटरनल होते हैं वो बोर्ड से कम थोड़े ना है।